प्रधानमंत्री मोदी अपने बयानों को लेकर कई बार खबरों की सुर्खियां बन चुके हैं। भले ही बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, पर मोदी जी उनको भी काम पर लगाए रखते हैं। मोदी जी ऐसे बयान दे देते हैं जिसके बाद ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर एक जंग से छिड़ जाती है। हाल ही में मोदी जी बांग्लादेश दौरे पर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाका में ऐसा दावा किया कि भारतीय ट्विटर पर संग्राम सा छिड़ गया। मोदी ने कहा कि बांग्लादेश की आजादी के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर आंदोलन किया था और जेल भी गए थे। मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहूंगा, बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए वो तस्वीरें विचलित करती थी, कई दिन तक सोने नहीं देती। फिर क्या था, मोदी के विरोधी आलोचना करने लगे और मोदी जी के समर्थक इस जानकारी को खोजने में लग गए कि क्या मोदी जी सच में बांग्लादेश की आजादी के लिए हुए आंदोलन में शामिल थे। शशि थरूर, जयराम रमेश, पवन खेड़ा समेत कांग्रेस के कई नेताओं व अन्य विपक्षी दलों ने मोदी के इस दावे को हास्यास्पद और फेक न्यूज करार दिया है। जयराम रमेश ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की और लिखा, एंटायर पॉलिटिकल साइंस बाय नरेंद्र मोदी। मोदी जी के इस बयान के बाद ट्विटर पर एक हैशटैग काफी प्रचलित हुआ, लाई लाइक मोदी, और लोगों ने उनके एडिटेड फोटोज शेयर करने शुरू किए। विपक्षी नेताओं के मोदी के दावे को झूठा करार देने पर कुछ लोगों ने नए तथ्य सामने भी रखे। पॉलिटिकल एनालिस्ट कंचन गुप्ता ने नरेंद्र मोदी की 1978 में लिखी किताब संघर्ष माँ गुजरात का कवर और बैक कवर शेयर किया। इसमें लेखक के परिचय में गुजराती में एक लाइन लिखी है कि बांग्लादेश के सत्याग्रह के समय तिहाड़ जेल होकर आए। हालांकि नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर इसी किताब के रीप्रिंटेड वर्जन के बैक कवर पर ये बात मौजूद नहीं है। अमित मालवीय ने बांग्लादेश सरकार का एक प्रशस्त पत्र भी साझा किया जिसमें बतौर जनसंघ अध्यक्ष वाजपेयी के स्वाधीनता संग्राम में उनका योगदान था। ये मोदी जी के द्वारा किया गया दावा कितना सच है और कितना झूठ ये तो कुछ नहीं कह सकते, पर हम मोदी जी की हिस्ट्री को लेकर पुराने बयानों को लेकर नजर मार लेते हैं। मोदी जी ने कुछ साल पहले कर्नाटका की एक रैली में ये कहा था कि क्या कोई कांग्रेसी नेता शहीद भगत सिंह से मिलने जेल गया था क्या? आप मुझे बताइए, देश के लिए मर मिटने वाले, आजादी के जंग के अंदर जान खपाने वाले वीर शहीद भगत सिंह जब जेल में थे, मुकदमा चल रहा था, क्या कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति शहीद वीर भगत सिंह को मिलने गया था? मिलने गया था? बटुकेश्वर तक उन पर मुकदमा चल रहा था, वीर थे, स्वातंत्र सेनानी थे, क्रांतिकारी थे,
क्या कोई कांग्रेसी परिवार बटुकेश्वर दत्त को जेल में, कोर्ट में या अस्पताल में कहीं पर मिलने गया था? अब आप ट्रिब्यून की इस खबर को ही देख लीजिए जो 10 अगस्त 1929 को छपी थी, जिसमें साफ लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और बीके दत्त से जेल में मिलने पहुंचे थे, तो मोदी जी द्वारा किया ये दावा तो झूठ निकला। कुछ साल पहले मोदी जी ने मगहर उत्तर प्रदेश में एक रैली के दौरान अपने भाषण में कहा था कि संत कबीर, गुरु नानक देव जी और बाबा गोरखनाथ एक साथ बैठकर आध्यात्मिक चर्चा की थी। ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठकर के आध्यात्मिक चर्चा की थी। मगर आकर के मैं एक धन्यता अनुभव करता हूँ। बता दें कि मोदी जी जिन तीन महापुरुषों को एक साथ बैठकर चर्चा करने की बात कही वह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। नाथ संप्रदाय की स्थापना करने वाले बाबा गोरखनाथ का जीवन काल संत कबीर और गुरु नानक से बहुत पहले का है। बाबा गोरखनाथ का जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि 120 साल जीवित रहने वाले संत कबीर जी का जन्म 14वीं शताब्दी 1398 से 1598 के आखिर में हुआ था। गुरु नानक का काल 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी साल 1469 से लेकर 1539 के बीच का था। एक ही दौर में होने की वजह से गुरु नानक और संत कबीर की मुलाकात की बात तो समझ में आती है, लेकिन इन दोनों महापुरुषों से कई साल पहले हुए गोरखनाथ जी की आध्यात्मिक चर्चा समझ से परे है। मोदी जी द्वारा बांग्लादेश में दिए बयान को लेकर विवाद अभी भी चल रहा है। देखना ये होगा इसको लेकर तथ्यों में कितनी सच्चाई है, ये धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।